क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। लाइव ट्रैकिंग अब रुक गया है, हमें उनका लोकेशन पता है, अभी सीधा वहीं पे चलते हैं। ठीक है चलो। किसका कॉल है? उसी का कॉल है। उठाओ। हेलो। हेलो, लगता है तुम हमारे नजदीक आने की कोशिश कर रहे हो। बॉडीगार्ड, तुम्हारे सारे प्लान मुझे पहले से पता है। सरोवर के पास से मैंने GPS ले लिया है, और अगर तुम यहाँ पे आए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम किस हद तक जा सकते हैं तुम्हें नहीं पता, इसलिए जहाँ पे हो वहीं पे रुको। ये देखो तुम चाहते क्या हो, एक बात बता दो। ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना प्यार वापस पाना चाहते हैं। मैं कल जोया से शादी करने वाला हूँ, साथ ही मेरा एक मुंह बोला भाई भी है, वो भी अपने प्यार से यानी शर्वरी से शादी करना चाहता है। इसलिए हम चाहते आप हमारी शादी में कोई भी दिक्कत ना लाओ, हमारी शादी हो जाने दो, बाद में हम खुद वहां पे आएंगे। क्या ये सब उन दोनों की मर्जी से हो रहा है? अरे तुझे क्या करना है, तू फोन रख। वो भले कितना भी ना बोले, हमें वहां पे जाना चाहिए। नहीं, हम वहां पे नहीं जा सकते। अगर हम वहां पे गए और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? तुम पागल हो? अगर हम वहां पे नहीं गए तो सच में उन दोनों की शादियां हो जाएंगी। होने दो शादी, अगर शादी होती भी है तो वो दोनों की मर्जी के खिलाफ होगी। हम उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे और दोनों को जेल भिजवा देंगे। पर अभी उनके जान के साथ हम नहीं खेल सकते, वो खतरनाक है, कुछ भी कदम उठा सकते हैं, इसलिए हमें शांति से काम लेना पड़ेगा। शर्मिला मेरी बहन। हेलो, क्या अपडेट है फिर? जोया सर्वरी को लाने के लिए गए या वही छोड़ दो? धामा जोर बॉडी कर गए रात को, अभी आते होंगे उनको लेके। नहीं भी लाएगा तो भी चलेगा, वैसे भी क्या काम किया दोनों? कल रात भर तो बाहर रुक गए, पर आज सोसाइटी वालों को क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे उन्हें जोया सर्वरी कहाँ है? जो सच है हमको वही बताना पड़ेगा। आ गए देखो। बॉडीगार्ड, दामाद जी, जोया जी सर्वरी जी कहाँ है? अरे मैंने जो बोला वो सच हो गया, तो सच में नहीं लाया क्या, वही पे छोड़ दिया? क्या हुआ, कहाँ है दोनों? माफ कीजिए पर हम वहाँ पे गए नहीं, तो उनको कैसे लाएंगे? आ गई जोया डार्लिंग, मिस ब्यूटीफुल। नहीं सासू मां, ये नहीं गए दोनों। कुछ काम के नहीं, दोनों के दोनों खुद के बम है। देखिए हम वहाँ पे नहीं जा सकते थे। ऐसा क्या हुआ जो नहीं गए? वो हुआ कुछ यू कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। पर लेके क्यों गए वो, कुछ बताया कि नहीं? क्योंकि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। शादी? अरे करनी थी तो सोसाइटी में करते, हम सब आते, मैं तो चिप्स का पैकेट लेके आती शादी के लिए। वाह, तुझे वहां पर भी मजे चाहिए तेरी? मार क्यों रहा है सुमा? ऐ शर्मिला तेरी सास क्यों मार? दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तुझे मजा चाहिए? अब क्या करें, मेरी ब्यूटीफुल और सोया डार्लिंग की सच में शादी हो जाएगी। देखिए चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता खुला कर देगा। रानी माँ, बहुत दिनों बाद आया। कुछ नहीं, यहाँ पे एक शादी थी, सोचा आई हूँ तो आप सबसे मिलके जाऊँ। अच्छा क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं सबके चेहरे देख के बोल सकती हूँ। नहीं कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, बताना पड़ेगा मेरे को प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? रानी माँ वो दरअसल हुआ कुछ यूं कि ये दोनों वहां पे जाके उन दोनों को लाने वाले थे। ये दोनों क्या? और उनको पता चल गया है, उन्होंने धमकी दे दिया, अगर ये दोनों वहां पे गए तो वो कुछ बहुत बड़ा कर देंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? कहेगा तू अब घर में भी नहीं बुलाएगी मुझे, यही पैसा बताओ मैं। सॉरी सॉरी, आइए ना, ये अंदर आइए, आइए रानी माँ, बड़ा अच्छा घर है, बैठिए ना।
मुझे लगता है बहुत भयानक होने वाला है तुम दोनों के साथ कुछ। ए, तेरा नाम क्या? शर्मिला, शर्मिला। हाँ, जा, दो साड़ी लेके आ। आपको चाहिए क्या साड़ियाँ? मेरे को काहे को चाहिए साड़ी? मेरे घर पे साड़ियों की अलमारी भर पड़ी, मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों चाहिए आपको साड़ी? तुझको जितना बोला उतना करना, जाना साड़ी ला भाई। साड़ी क्यों लाने के लिए भेजा आपने, वो भी दो दो, कहीं इन दोनों को साड़ियाँ तो नहीं पहनाने वाले? बड़ा तेज दिमाग है तेरा। बस दिमाग तेज नहीं, उसके कान भी तेज है ना, या हवा लोकते रहते। रानी माँ, साड़ी। हाँ। अभी तुम दोनों चुपचाप खड़े रहने का, समझ गए? आप क्या करने वाली हो? आए? क्या बोली मैं? कुछ भी नहीं बोलने का, बस खड़े रहने का, बाकी मैं देखती। ओहो, चिप्स चाहिए थे बस। कोट उतार। क्यों? कोट उतार। पल्लू ले फिर से। अभिजीत की दाढ़ी मुझे इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा, बॉडीगार्ड बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? दिख नहीं रहा आपको? आज ये मेरे साथ आएंगे। अरे क्या बोल रहे हो आप, कैसे नहीं आ सकते वो आपके साथ? मुझे ऐसा लगा आप मजाक मजाक में साड़ियां पहना रहे हो, पर आप तो उनको लेके जाने की बात कर रहे हो, कैसे आ सकते वो आपके साथ? बराबर कहाँ है, कैसे आ सकते आपके साथ, तो क्या समझेंगे बाहर के लोग? और नहीं तो क्या, लोगों को तो रीजन ही चाहिए बोलने का, मेरे जैसे तो क्या क्या बोलेंगे। देखो आप जो भी करना चाहती हो चार दीवारों के भीतर करो, इनको ऐसा बाहर लेके मत जाओ, क्या क्या समझेंगे लोग? मैं कोई बुरा काम करती हूँ क्या? समाज ने जिस चीज के लिए मजबूर किया है वही तो करते हैं हम। बचपन से ना बाहर जाने देते है, ना पढ़ने देते है, ना लोगों के सामने आने देते, फिर हम लोगों का क्या होना है? यही, हम जो भी काम करते हैं ना बहुत शिद्दत से करते हैं और दिल लगा के करते हैं। चोरी चकोरी गुंडागर्दी इससे तो लाख गुना अच्छे है हमारे काम। ऐसी साड़ी वगैरह पहन के औरत बन के जाने की क्या जरूरत है? अरे जब बुराई बढ़ जाती है तो भगवान को भी नारी का रूप लेना पड़ता है, इसीलिए मैंने बुराई खत्म करने के लिए इन दोनों को ऐसे बनाया है। अभी ये दोनों मेरे साथ आएंगे आज, कहाँ पे बोलो? कहाँ? जहाँ पे उन दो लड़कियों की शादी हो रही है। इनको तो कोई नहीं पहचानेगा वहां पे ऐसे अवतार में। जब भी कोई अच्छा काम होता है हमें याद किया जाता है दुआओं के लिए, तो लेके जाती हूँ ना मैं इन दोनों को दुआ बना के उन लड़कियों के लिए। भाई भाई भाई, रानी माँ क्या आइडिया दिया आपने, सच में आप बहुत अच्छी हो। बस बस, ज्यादा तारीफ मुझे हजम नहीं होती। तुम दोनों जैसा मैं कहती हूँ वैसा करने का, अभी सिर पे घूंघट लेने का और मेरे साथ पूरे रास्ते पे चलने का, घूंघट ऊपर नहीं करने का, समझ गए? हाँ। तो चलो चलते हम नेक काम में, देरी किस बात की? थोड़ा सा नाचो भी, ऐसे ही मत जाओ, शौक हो जाएगा। सोया, हमें कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा। क्या करें फिर शर्मिला, हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। तो क्या शादी कर ले उनसे? आज तक हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, ना कभी किसी का बुरा किया है, ऊपर वाला हमारा भी कभी बुरा नहीं करेगा। वाह वाह वाह, खूब भालो शर्मिला, आमी तुम्हारे भालो बसी है। आहा हा हा, बला के खूबसूरत दिख रही हो आप मोहतरमा, अभी बस चंद लम्हे और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है, पर आज वो दिन आखिरकार आ ही गया। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत ज्यादा। बाहर की एक बार तैयारियां देखते हैं। नाचो तुम दोनों, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो आप?
यारे, इतना बड़ा शादी का फंक्शन है और तूने हमको बुलाया नहीं। आपको कैसे पता यहाँ पे शादी हो रही है? ए, उसको क्या करने का है वो? कैसे पता चला? कहाँ से मिला खबर? हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं उसको रे, रिपोर्टर है, तो रिपोर्टर ने बताया यहाँ पे शादी होने वाली है, इसलिए आ गए मैं मेरी पलटन लेके। वैसे भी जहाँ पे बच्चा होता है, जहाँ पे शादी होती है, हमारा आना तो तय है। दुआ चाहिए कि नहीं हम लोगों की, या जाए वापस? ए, चलो वापस चलो। रुके रुके, सुना है इनकी दुआओं में काफी ताकत होती है, क्या आपकी दुआ से सच में हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? जो सच्चा होगा और जो सच्चाई से आगे बढ़ रहा है उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। फिर दीजिए हमको दुआ। रुक रुक, देती हूँ ना दुआ। वैसे भी दुआ दिए बिना मैं नहीं जाने वाली। अच्छा सुनना, वो लड़की लोग कहाँ है दोनों जिनके साथ शादी होने वाली है? आपको क्या काम है उनसे? अरे कैसा तू, उनको भी तो दुआ देनी चाहिए कि नहीं? जा उनको लेके आ, ये दोनों उनको दुआ दे देंगी। दोया शर्वरे, बाहर आ जाओ। ए, जा। आए, आए। मेरी नत गिर गई। अरे ये यार, लड़कियों इधर आ जाओ। अगर कोई भी चालबाजी की तो सीधा गोली तुम्हारे दिमाग के आर पार से जाएगी। बस बस, तुम दोनों को कानून अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या रे, लड़कियों को किडनैप करते हो? जोर जबरदस्ती शादी करना चाहते हो? चलो पुलिस थाने दिखाता हूँ तुमको शादी कैसे की जाती है। चलो रे इनको लेके। रानी मां नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे काय का थैंक यू, तुम दोनों तो मेरी बच्चियों जैसी हो। हम पता नहीं यहाँ पे कैसे आते, अगर आप ना होती तो। हूँ ना, ज्यादा इमोशनल नहीं होने का। चलो जा रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा काम है मुझे। रानी मां रुकिए, आपने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, बदले में आपको कुछ इनाम तो देना ही चाहिए। आप भूलिए आपको कितने पैसे चाहिए। कितने देगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? देख, हमें पैसों की भूख नहीं है रे, हमें तो उस प्यार की भूख है जो बचपन से कभी मिला ही नहीं। खुश नसीब होते हैं वो जिनके घर लड़का लड़की पैदा होते हैं, पर जिनके घर इन दोनों में से कोई पैदा नहीं होता वो बड़े बदनसीब कहलाते हैं। पता नहीं क्यों भगवान ने बनाई ऐसा है। मेरी माँ कहती है भगवान के सबसे ज्यादा करीब आप लोग होते हो, क्योंकि आपकी दुआओं में भगवान जैसी ताकत होती है। काश ऐसी सोच सबकी होती। कोई नहीं, जैसे जिसकी सोच, हमें क्या करना है, हमें तो बस आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए उनका डट के सामना करना है। सच में आप बहुत स्ट्रांग हो। चलो आती हूँ मैं, और रही बात पैसे लेने की तो वो तेरी शादी में आके लूंगी। पर मेरी शादी तो हो गई है। हाँ? बॉडीगार्ड की नहीं हुई अभी तक। हाँ तो कर लेना, क्यों रे। जाओ जाओ सोसाइटी में जाओ, सब लोग परेशान हो रहे होंगे। रुकिए, हम सब आपका आशीर्वाद देना चाहते हैं। दादा सुखी रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।